मुझे मेरा अकेलापन ही कुछ ज़्यादा भाता है इस खोखले बनावटी दुनिया से दिल घबराता है। हेलो हाय राम राम नमस्कार प्रणाम सत श्रीकाल ओम साई राम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बात करते हैं स्मार्टनेस की, मतलब कि आप स्मार्ट भी बने रहे, स्मार्टनेस आप अपने आप में अपने कामों में और स्मार्ट बन के आप पूरी दुनिया पे छा जाएं। तो बात करते हैं कि कैसे लाइमलाइट में हम बने रहे, कैसे अपने दिमाग का प्रयोग करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और बहुत जो दुनिया में लोग करते हैं काम सभी करते हैं, लेकिन कुछ अलग हटके हम कैसे करें, कुछ अलग हटके हम कैसे दिखें, किस तरीके से हम एक भरी दुनिया में, मतलब एक आप भीड़ में चल रहे हो उसमें से एक होता है कि काफ़ी एक झुंड चल रही होती है और उसमें से एक कोई शख्स बहुत ही स्मार्ट दिख जाता है, बहुत ही नॉलेजेबल दिख जाता है और बहुत ही समझदार दिख जाता है। तो कैसे बने, किस तरीके से हम कार्य करें, किस तरीके से हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आप अपने दिमाग को एनी टाइम अपग्रेड करते रहिए। एक दिमाग ये है हमारा कि दिमाग बहुत बेशकीमती तोहफा है हमारे पास में, जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। दिमाग जो है हमारे पास, ये मशीन एक ऐसी मशीन हमें मिली हुई है, कुदरत ने भगवान ने एक ऐसी मशीन दी है जिसका आप इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हो, जो आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। आप जितनी भी ऊंची मंजिल पाना चाहते हो, आप जिस शिखर पे पहुंचना चाहते हो, जो कार्य करना चाहते हो, जो आपका एक एम बना हुआ है, जो आपका गोल है, उस गोल पे आप आराम से पहुंच सकते हो आप अपने बेशकीमती तोहफे का इस्तेमाल करके। वो क्या है? वो है दिमाग। तो हम दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इंसान खुद को एक दायरे में सीमित कर लेता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कोई दायरा नहीं होता, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जिस तरीके से एक हम ग्रो करते हैं, हम आगे एक हमारी उम्र बढ़ती है, तो हम एक दायरे में अपने आप को सीमित कर लेते हैं और हमारी सोच एक जगह सीमित हो जाती है, या हम, या यूँ कहिए कि हम अपनी सोच को किसी दूसरे के ऊपर में थोप देते हैं। जैसे ही हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं और जो वो हमें सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि अपने पे कॉन्फिडेंट इंसान का कम होता गया है, कि जो खुद सोचते हैं कि जो मैं अब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो वो शायद सही है या गलत है, तो क्यों ना हमें दूसरे से राय ली जाए। तो दूसरे के राय पे आजकल हम ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। और आजकल में क्या कि मतलब अक्सर होता ही ऐसा है कि आप कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हो तो आपका दिल ये कहता है कि चलो हम अपने सगे संबंधी से या अपने दोस्त से या अपने किसी से हम पूछ लें। ये एक आदत सी हो जाती है क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं, खुद को एक दायरे में सीमित करते हैं, उस दायरे से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो उस दायरे से हमें बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने सोच का इस्तेमाल करना है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो आप अपने दिमाग से पूछो, आप अपने दिमाग से पूछ के आप चारों साइड देखो, हर तरफ आप अच्छा भला बुरा ऊंच नीच कम ज़्यादा जो भी है, आप आपका दिमाग वो मशीन आपके पास है जो जिसका इस्तेमाल करके आप वो जान पाओगे, उसका रिप्लाई आपको मिल पाएगा कि जो कार्य आप करने जा रहे हो उसका अगला, उसका क्या रिवॉर्ड है, उसका क्या मतलब कि आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वो दिमाग आपको बताएगा और दिमाग इतना हमारा एक्टिव रहता है, एक्टिव हमें करना है, एक्टिव रहता है उसे और ज़्यादा एक्टिव करना, उसे और ज़्यादा चार्ज करना है अपने सोच पे और अपनी समझदारी पे को स्ट्रॉन्ग बना के,
उसको आप इस्तेमाल करिए और आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप अपने दिमाग के थ्रू मंथन करिए, ना कि आप किसी पे, किसी दूसरे पे आप डिपेंड हो जाइए या किसी दूसरे से आप राय लीजिए। राय लेनी कोई बुरी बात नहीं होती है, आपको बहुत अच्छे राय देने वाले भी लोग होते हैं, बुरे राय भी देने वाले लोग होते हैं, पर कोशिश करिए कि आपका दिमाग आपका कार्य करे और आपको बताए कि आपको किस दिशा में आपको चलना है। राय लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आप अगर किसी अच्छे लोग से आप राय लेते हो तो आपको वो अच्छा भला बुरा ज़रूर बताएंगे, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन आप सुनो सबका, कहते हैं ना एक बात होती है कि आप सुनो सबका लेकिन करो आप अपने मन का, करो आप अपने दिमाग का, जो आपका दिमाग कहता है आप वही करो। दुनिया में सब हर कार्य करते हैं, एक कोई कार्य आप ऐसा ढूंढो, कोई काम आप ऐसा ढूंढो, अपने आप को देखो कि मैं किस हद तक अच्छा काम कर सकता हूँ, किस हद तक मैं ऊंची चोटी पे पहुँच सकता हूँ, मैं ऐसा, मेरे में ऐसी क्या खूबी है, अपनी खूबियाँ टटोलो। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अलग खूबी होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ बड़ा करने का मतलब उसके अंदर हुनर होता है। तो आप अपने उस हुनर को ढूंढो और वो आपको ढूंढने में आपका दिमाग मदद करेगा, और आप जो जिस हुनर में आप काबिल हो उसको ज़रूर आप करो, और दुनिया से थोड़ा हट के काम करो। हमेशा सोचो कि दुनिया तो ये सारा कुछ सारा काम करती है, इससे बेहतर मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं दुनिया के नज़र में आऊँ, दुनिया के सामने में आऊँ। अब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों का मतलब है वो, कि लोग अपना मुकाम हासिल करके, और कहते हैं ना कि अभी चाहे आप टाटा को लीजिए या आप अंबानी को लीजिए या आप कई ऐसे लोग हैं जो कि भाई जिनका कहने का आता है कि उनके पास तो 1 रुपये का सिक्का था और 1 रुपये के सिक्के से आज देखो क्या बन गए। तो 1 रुपये के सिक्के से कैसे बन गया कि 1 रुपया लेकर आए वो मुंबई और उससे उन्होंने मतलब आज वो टाटा बिरला वो अंबानी बने हुए हैं। तो कैसे बने, कैसे उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, कैसे वो लीक से हट के काम किए, कैसे वो दुनिया से अलग हट के काम किए। तो ये खूबियां सिर्फ टाटा अंबानी में ही नहीं, अदरवाइज और बहुत से लोगों में ही नहीं है, ये हमारे आप में और सब में है। तो वो खूबियां टटोलना हमारा काम है, हमारे दिमाग का काम है, और दिमाग का आप इस्तेमाल करिए और कुछ अलग हट के, दुनिया से अलग हट के आप काम करिए। लोगों का राय लेना ज़रूर लीजिए, आपको लगता है जहाँ पे है कि इनसे राय लेके और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या है कि अगर आप लोगों से राय लेते हो ना, तो उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि 10 to 10 आपके सारे बातें मतलब कि सही हो जाएगा एंड आप वही करोगे उसमें से, लेकिन कुछ बातें जो होती है कि 1-2 बातें आप ज़रूर अमल करोगे और उसको आप अपने जैसे अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, क्योंकि अब उस बात को मैं अपने तरीके से कैसे प्रेजेंट करूँगा, अपने तरीके से कैसे पेश करूँगा या अपने तरीके से कैसे काम करूँगा या करूँ। तो ये चीज़ें आप अपने आप से ही कर सकते हो, ये दिमाग है, दिमाग रूपी मशीन का इस्तेमाल करिए और लीक से हट के, दुनिया से हट के, भीड़ से हट के। भीड़ में तो भेड़ बकरी बकरी भी चलते हैं, तो हमें भेड़ बकरी नहीं बनना है, हमें शेर बनना है। शेर जब जंगल में शेर अकेला रहता है, लेकिन जब वो एक धार मारता है ना, तो उसकी मौजूदगी सबको पता चल जाता है कि अच्छा इस जंगल में शेर है। तो शेर बनिए, ज़रूरी नहीं है कि हम एक झुंड लेके चले, एक राय मशविरा हमें हमेशा चाहिए, ज़रूरी नहीं है। शेर बन के धार लगाइए, धार लगा के अपनी मौजूदगी जताइए कि हाँ यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं ये कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है इस्तेमाल करना अपने दिमाग का। कई ऐसे कार्य होते हैं, कई ऐसी मतलब जीवन शैली में एक इंसान का एक हुनर होता है जिस हुनर को हम पहचान नहीं पाते हैं, और अगर वो पहचान नहीं पाते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं दुनिया की भीड़ में दबा के रख लेते हैं, वो नज़र नहीं आता कि हमारी काबिलियत क्या है। तो उस काबिलियत को आप अपने आप ही टटोलिए और टटोल के आप उस काम पे ज़रूर कार्रवाई करिए और उस हुनर को आप आगे लेके
और समाज के सामने आइए, कार्य क्षेत्र में अपना नाम बढ़ाइए। मेरा कहना यही है कि अगर आप में कुछ अलग क्षमता है, अगर आपको कुछ अलग करना अच्छा लगता है, तो आप उसको दबा के मत रखिए, उसको बाहर निकालिए और आप ज़रूर करिए। दुनिया से दुनिया अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अगर आप दुनिया मान लीजिए अभी के टाइम यही है कि पढ़ो 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 पढ़ा, मतलब कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी बहुत ज़रूरी है, मगर आपको लगता है कि मैं अगर ढंग से पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं तो स्पोर्ट्स लाइन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं मतलब खेल कूद में मेरा ज़्यादा रुचि लगता है, तो आप उसी क्षेत्र में जाओ। आप क्योंकि आपकी रुचि आपके रुझान उस साइड में है, तो आप उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरी दुनिया पढ़ाई के लाइन में खड़ी है और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं कैपेबल उसमें हो, तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अपनी क्षमता, जो आपके अंदर में क्षमता है, उस क्षमता को आप पहचानिए और उसको निखारिए, उसको बाहर लेके आइए। क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है, जो आपका दिल दिमाग कह रहा है करने के लिए, आपको वही करना चाहिए और वो करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेके हम अपने दिमाग को चार्ज करते रहे, अपने दिमाग को अपग्रेड करते रहे। आप भीड़ में मत चलो, आप भीड़ से थोड़े अलग रहो, अलग रख के आप देखो कि ये शख्स इतना बड़ा काम कर रहा है या कुछ अलग काम कर रहा है। आप अगर पेंटिंग कर रहे हो, आप अगर खेल कूद में हो, आप अगर किसी भी, आप डांसिंग में हो, आप सिंगिंग में हो, आप कुछ भी, तो ये सब काम भी अपने जगह पे। हम कितने सिंगर हैं, कितने डांसर हैं, कितने पेंटर हैं, कितने बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमारे मतलब समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके का कार्य करिए और इस तरीके का मतलब इस तरीके का मतलब सिर्फ यही तरीका नहीं, आप जिस भी तरीके का कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप सोचिए कि अगर वो इस मुकाम पे पहुंचा, कोशिश हमेशा रखिए कि अगर कोई इस मुकाम पे पहुंचा है तो उस मुकाम का हम रिकॉर्ड ब्रेक करें एंड उस मुकाम पे हम पहुंचे। हमेशा आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कोशिश करते रहिए। बिकॉज क्या है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए और अपना नाम करना चाहिए और अपना नाम अलग, थोड़े से दुनिया की भीड़ से अलग अपना नाम कमाइए और नाम कमा के फिर एक स्मार्ट लोगों में गिने जाइए। आपकी गिनती स्मार्ट लोगों में होती होगी और आप लाइमलाइट में आएंगे। तो अपने दिमाग पे को चार्ज करिए, अपग्रेड करिए अपने दिमाग को हमेशा, और अपने दिमाग का सुनिए और दिमाग को आप अपने दिमाग को इस तरीके से मूव करो कि जो वो आपको तरक्की के रास्ते पे, आपको एक जो समाज में एक अलग नाम दिला पाए, एक अलग मुकाम दिला पाए। आप उस क्षेत्र में कार्य करिए और उस क्षेत्र में आप अपना नाम करिए और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपना नाम कमाइए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए, अपने दिमाग को हमेशा सही दिशा दिखाइए और कहिए कि दिमाग पे मेरा कंट्रोल है, ना कि दिमाग का मुझ पे कंट्रोल है। तो ये चीज़ें करके दिमाग को कंट्रोल में रखिए, दिमाग को अपने कमांड में रखिए और ज़िंदगी को सफल बनाइए और खुश रहिए, खुश मिजाजी से जिए, जिंदा दिल से जिए और मस्त रहे और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना ही ज़िंदगी है और मुस्कुराने से सारे गम कम हो जाते हैं। एक आपके दुख का घड़ी हो और आप मुस्कुराहट में, कुछ नहीं हो जाएगा, सब आसान है, सब आसान है, क्योंकि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। अगर कोई इंसान अकेला है तो वो अकेला, अकेलापन मतलब कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो, आप दुनिया, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपका दिमाग है एंड आप है। आप अपने दिमाग को आदेश दो और आपका दिमाग वो आपके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है, सामने है, खड़ा है, जी हुकुमा मेरे आगाह करने के लिए। तो आप अपने दिमाग को अपने काबू में रखिए और हुकुम दीजिए और आगे बढ़िए, दुनिया में तरक्की करिए, नाम कमाइए, और नाम कमाइए तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही मेरी वीडियो देखिए और वीडियो एंड तक देखिए
और कभी वीडियो लंबी हो जाती है तो एंड तक ज़रूर देखिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। इसी तरीके से देखते रहिए, कमेंट्स करना मत भूलिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। उम्मीद है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। मैं फिर अगेन अब दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त। ओम साई राम। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदा दिली से ज़िंदगी को जिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, मुस्कुराने का नाम है ज़िंदगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम साई राम।